वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आपको पिछले व्लॉग जो हैं वो पसंद आए होंगे। आज जो इधर मौसम बड़ा सेट हुआ पड़ा है, कल फुल टाइम बारिश होती रही है। जैसे कि मैंने व्लॉग बनाया था, कल ग्रोसरी वाला व्लॉग बनाया था मैंने, और आज जो है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सिम लेने। कल जो है ना मैं अपना पासपोर्ट घर पर भूल गया था, जिसकी वजह से मैं कल सिम नहीं ले सका, इसलिए आज जा रहा हूँ सिम लेने। आई होप कि आप लोगों को पिछले जो व्लॉग आए हैं वो पसंद आए होंगे, ठीक है। और अभी चलते हैं सिम लेने, जहाँ पे कल गए थे वहाँ से सिम मिलनी है। वहाँ पे मैंने मतलब पहले मुझे पता नहीं था कहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आज अभी जा रहे हैं वहाँ पे, चलते हैं और सिम लेते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है। मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं, आपको भी बताता रहूँगा क्या प्रोसेस है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से पासपोर्ट पर ही सिम मिलेगी। चलते हैं देखते हैं क्या होता है, हम मुझे सिम लेते भी हैं कि नहीं। मौसम आज बड़ा सेक्सी हुआ पड़ा है। जाना यहीं, मतलब कि जहाँ पे भी जाना हो यही रास्ता है, ठीक है। यहाँ से जाना पड़ता है, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेन जा रही है, यूनिवर्सिटी का भी यही रास्ता है, बस स्टॉप भी यहाँ से आता है, और वो क्या से कहते हैं ट्रेन स्टेशन भी यहाँ से आता है, सब कुछ यहाँ से आता है, और जाना यहाँ से पड़ता है। मतलब उस साइड से जाओ तो फिर वो मेन रोड आ जाती है, वो उस सूरत में आप जाते हो जब आपने ग्रैब या जैसे पाकिस्तान में उबर और क्रीम चलती है, वैसे यहाँ पे ग्रैब चलती है। उसके अलावा फूड पांडा वगैरह, मतलब इधर फूड पांडा भी है, और उसके अलावा जैसे उबर क्रीम है ना, वैसे ही ग्रैब चलती है यहाँ पे, ग्रैब GRAB। और ग्रैब करवाओ तो फिर बंदा फिर उधर से जाता है, अगर आपने चल के जाना तो फिर यही रास्ता है। इस साइड से भी मेन रोड आ जाती है, लेकिन चलने वाला ये ठीक है क्योंकि ये इन्होंने एरिया बनाया, ऊपर शेड लगे हुए हैं, गर्मी से भी बंदा बच जाता है। और ये अगेन वही गंदा पानी, अंग्रेज़ मतलब अंग्रेज़ कह रहे हो, मलेशियन लोग जो है ना इधर वो मछलियां पकड़ रहे होते हैं बैठ के। खैर आई डोंट नो इसमें मछलियां होती भी हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से गंदे पानी में मछलियाँ कैसे आ गई भाई। पर यहाँ से थोड़ा ही दूर पड़ता है स्टोर, मतलब कि जैसे पाकिस्तान में हाइपर स्टार लगा लो, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता, मतलब हर चीज़ मिल जाती है, दुनिया की हर चीज़, जूती से लेके कपड़ों तक, ग्रोसरी तक हर चीज़ मिलती है। और ये लोग जो हैं ये यूनिवर्सिटी से फ्री होके आ रहे हैं मेरे ख्याल से, या जो भी लोग अपना काम वगैरह करते हैं वहाँ से फ्री होके आ रहे हैं, देख सकते हो आप। आते जाते जो चलने वाला रास्ता है ना यही है, और यहाँ पर हर जगह पर ऐसे जो है ऊपर शेड लगे हुए हैं फुटपाथ के ऊपर, ताकि बंदा गर्मी हो तो गर्मी से बच जाए। वैसे यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सही अच्छी गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना तो 35 तक जाता है, 35 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है दिन के टाइम, रात के टाइम चला जाता है कोई 25 पे चला जाता है, 23 पे भी चला जाता है। और सारी आवाम जी है ना यूनिवर्सिटी तो फ्री हो के आ रही है, सारे ही अवारा है शक्ल वेख लो इन्ह दिन, तुहानूं जी पता लग जाएगा। अच्छा इत्थे आ सिस्टम हुंदा है कि किसी ने किसी किसी ने उर्दू भी आंदी हुंदी जे, इस गल्ल नूं ख्याल रखना पैंदा थोड़ा जिहा। यूनिवर्सिटी में कई लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू भी आती है, सही है। और अभी जो चलते हैं, थोड़ी सी धूप है आज, थोड़ी सी गर्मी भी है, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा ही चलना पड़ता है। और हाँ, ये हॉकी स्टेडियम है, कल बंद था, आपको नहीं दिखा सकता, इंशाल्लाह किसी दिन इसका भी मैंने विज़िट आप लोगों को करवाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना किसी दिन इसका भी विज़िट करवाएंगे। और आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को वो अपना जो होटल का है स्विमिंग पूल एरिया और स्पोर्ट्स एरिया वो दिखाता हूँ सारा, ठीक है, बताना कैसा है, और यूनिवर्सिटी का भी बताना है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का भी देखा है, यूनिवर्सिटी कैसी लगी आप लोगों को और क्या सिस्टम है सारा। मुझे तो अच्छी लगी है, लोग भी अच्छे हैं सारे, और बताना ज़रूर कमेंट्स में कि कैसी लगी आप लोगों को यूनिवर्सिटी। फाइनली जी पहुंचने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टार्ट हुआ है, ये होटल मतलब कि ढाबा लगा लो, होटल कह लो छोटा सा खाने पीने वाला। चलते हैं, आगे भी बहुत आएंगे, सारा कुछ आपको दिखाता हूँ जो जो आता जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्टोर है, हाँ यही है, ये आ गया जी स्टोर, और यहाँ से मोबाइल भी मिल जाते हैं, ये सारे मोबाइल पड़े हैं एंड्रॉयड, ठीक है, इनकी प्राइस भी साथ ही लिखी होगी। ये एयरपॉड्स आ गई, अनोकिया 3310 आ गया,
वाह इतने भी नोकिया 3310 मिल रहा है। कीपैड वाले मोबाइल भी मिलते हैं यहाँ से, मैंने आज देखे हैं। ये पाउच आ गए, मतलब दुनिया की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, लेकिन हमें सिम चाहिए और सिम लेते हैं। एंड्रॉयड जो मोबाइल की प्राइस है, प्राइस का आपको बता दूं कि प्राइस तकरीबन पाकिस्तान जितनी ही है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी मोबाइल ही हैं सारे, स्पार्क रेडमी सारे मिलते हैं यार। इतों फ़िलहाल इनसे सिम लेते हैं, रिपेयर वगैरह भी हो जाते हैं मोबाइल, वो भी मोबाइल शॉप है। अभी ये लोग तो बिजी हैं, ठीक है, ये उतनी देर तक फ्री होते हैं। मैं आपको एक चक्कर लगवाता हूँ, ये एक मॉल टाइप है सारा, और ये भी मोबाइल एक्सेसरी है सारी। ये कोई इवेंट लगा लो या शो लगा लो, होगा रोबोटिक्स कोडिंग एंड स्टीम क्लास। अच्छा, रोबोटिक वगैरह का लगा लो, मैंने नहीं पता की है, लेकिन वे लो चल रहे हैं सिस्टम सारा। और ये भी मोबाइल शॉप है, ये वॉच वाली दुकान है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सारी वॉच हैं, उसके बाद ये भी मोबाइल शॉप है, उसके बाद ये रेस्टोरेंट लगा लो, ये रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट ही है तकरीबन। यहाँ पे जो है ना हलाल फूड मिल जाता है। और की देखना जा, गेमा शेमा पियाँ ने आएंगे किसी दिन, ये भी ट्राई करेंगे, अगर निकाल लिया तो आपका है, अगर ना निकला तो फिर पैसे आपके ज़ाया जो आपने पैसे दिए हुए हैं। ये छोटे होंगे खेडी दी असी, हूँ तो नहीं खेडी दी, बड़ा अरसा हो गया खेडिया ही नहीं है। सॉरी बॉल्स भी हैं, और उसके बाद ये हैं बालू शालू पे ने खान पीन वाली चीज़ा, लेकिन छेती निकल दिया नहीं है इन्हें, तुम मैं दस दिया अक्सर पैसे जाए होंगे ने, बस ख़त्म हो गया। आगे ये भी मेरे ख्याल से ना बना रहे हैं, शॉप्स अभी बंद पड़ी हैं, कुछ भी नहीं है, ये ऊपर तक मॉल है, और मेरे ख्याल से सिर्फ यही है, ऊपर तो कुछ नहीं होगा। चलें किसी दिन ऊपर भी आपको विज़िट करवाऊँगा, लेकिन अभी जो है ना जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। मैंने सोचा चलते चलते इनसे प्राइस भी पता कर ही लेते हैं, ये स्पोर्ट्स वॉच पड़ी हुई है इनके पास, ये पूछते हैं। और दिस वन ब्लैक 199 की है, ये वाली स्पोर्ट्स वॉच है, ये मैं बड़ी पहनता हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन लेंगे इंशाल्लाह भी नहीं हाले, जड़ी है ना माल बड़ा शार्ट है, समझा करो हाले, मैं नवा नवा आया ना इतने, आप सिम लइए चल के चुप करके। अच्छा ये नहीं मैंने देखी थी, ये है गोल्ड शॉप है, हाँ गोल्ड की शॉप होगी, हाँ गोल्ड ही है मेरे ख्याल से तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू, आई वांट सेम नेक्सस। बैठ जाते हैं यार, पैकेजेस ओके चलो मैं देख के बताता हूँ आपको, अभी पहले मैं खुद देख लूँ, मुझे भी समझने में टाइम लगेगा। अच्छा जी ये इन्होंने पैकेज दिखाया, पहले मैं खुद समझ लवा तो फिर मैं तुम्हें दसना वा, ठीक है। 25 का पैकेज है, ठीक है, तो 10 रिंगट की सिम है, 25 का मंथली पैकेज है, 40 GB पैकेज है, एम आई राइट यस। समझ नहीं आई लेकिन कह रहे आओ, चलो खैर। अच्छा यू नो उर्दू लैंग्वेज और हिंदी? नो नहीं, इन्हों नहीं बोला। अच्छा हूँ जरा ना कह रहा, मैं क्या मैं पहले सिम लैनी तो फिर पैकेज करवाना, उन्हें क्या 40 रिंगट पेगा, अगर असी सिम के नाल ही पैकेज बाय करने तो फिर सानू 5 रिंगट डिस्काउंट पेगा, 35 का मिलेगा। आई वॉन्ट विद पैकेज 35 दे दियो, डन। मैं क्या दे दियो, उन्होंने समझ आ रही, चलो खैर मेरी भी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं वीडियो बंद करके इन्हें गल कर ला तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तुम मॉल का विजिट तो करवाता, सिम उन्होंने को लैन गया तो उन्होंने मैं इधर कर दिता। तो यार मैं सही था कि पासपोर्ट पे ही सिम मिलनी थी, दिस इज़ माई पासपोर्ट, हूँ देखो की करता है, मैं तो पहली बार सिम लैन आया, मैं तो देखो हूँ देंदा भी मैनू कि नहीं देंदा, ऐ सब हैगा जे ते ओ ला लो कि उतों कोई फिचल फुचल का समान कोई बंदा काला हैगा तो उतों लै सकदा आके।
स्टोर दा सन तुहानू सारा मैं इहदा नाम हैगा एंदा एंदा भी कहते हैं लोग यहाँ पे और एंडा भी कहते हैं ठीक है ब्रो दिस प्लेस नेम एंदा पड़े एंदा एंदा पड़े एंदा सॉरी एंदा पड़े पता नहीं की बोल रहा है पता नहीं की बोल रहा पे लेकिन एंदा वैसे इसको कहते हैं एंडा या एंदा ठीक है बाकी ऊपर बाकी मैं ठीक हैगा सी कुछ भी नहीं हैगा ऊपर फ्लैट ही है टॉप फ्लोर सेवन फ्लोर्स का है ठीक है तो उत्ते मेरे ख्याल ना होटल ही ने या पता नहीं की सिस्टम है चलो किसी दिन आवेंगे फिर तुम विजिट करावगा सारा हाले करता पे मैंने इसको बोला कि मैंने अपना फ़ोन जो है ना आईफोन 12 सेल करना है मैंने इसको दिखाया है तो कह रहा हो जाएगा सेल यहाँ पे और ये जो है ना आईफोन एक्सेस ये आईफोन एक्सेस है 899 रिंगट का बाकी आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना कितने बनते हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इसका सेम ही है प्राइस मोबाइल्स के लिहाज से सेम है सारी प्राइस और ये कह रहा है कि 850 का मिल जाएगा आपको फाइनल 256 GB है बैटरी चेंज है ठीक है आई वॉन्ट टू ऑन करके चेक कर लेते हैं बैटरी चेंज है इसकी ओपन है मतलब के सील पैक नहीं है बाकी चेक करते हैं बाकी हमें अभी सिम देंगे तो फिर ही बात बनेगी कोई तो जी फाइनली इसने ना ये कुछ नंबर दिए हैं इसने कहा चूज़ कर सकते हो जैसे पाकिस्तान में सिस्टम है ना कि आप नंबर चूज़ करके ले सकते हो उसी तरह इनका है ये सिस्टम इसने मुझे ये अपना मोबाइल दिया है कि आप चूज़ करो नंबर कौन सा चाहिए मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा लेते हैं नंबर ठीक है टेल मैंने इससे पूछा ऊपर क्या है तो कह रहे हैं कि ऊपर जो है ना बॉलिंग है बॉलिंग क्लब स्नूकर ओके ऑल्सो है स्नूकर और बॉलिंग क्लब भी है ऊपर कटिंग वगैरह भी है और ईटिंग शीटिंग का सामान है ये जो चीज़ें वगैरह हैं ना ये नीचे ही हैं सारी जो मैंने आपको दिखा दी हैं मतलब मैं ठीक था मैंने आपको सही बताया था कि ऊपर कुछ भी नहीं है ऊपर ये फ्लैट्स होंगे या रूम्स होंगे लेकिन ऊपर कटिंग वगैरह है और अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं 2000 years later वेलकम जी वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो वीडियो ने यार कल भी व्लॉग बनाया सी ते की हाल है ठीक हो ना जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मैं अपने होटल का जो है स्पोर्ट्स एरिया कह लो या स्विमिंग एरिया कह लो जो भी कह लो उसका नाम आपको टूर करवाऊंगा विजिट करवाऊंगा तो यार सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये बच्चों के खेलने की जगह आ जाती है उसके बाद ये बोर्ड लगा हुआ है इस पे सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे मौजूद है मैं आपको फिज़िकली जाके सारा विज़िट करवा देता हूँ और बाकी गल्ला छोड़ो मौसम चेक करो ये बिल्डिंग चेक करो कितनी ऊंची है इसमें तकरीबन 44 फ्लोर्स होते हैं मैक्सिमम मेरे ख्याल से तो 44 ही लिफ्ट तो 44 तक ही जाती है तो 44 ही होंगे अच्छा इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ ठीक है और ये अलग बिल्डिंग है लेकिन दोनों को स्पोर्ट्स एरिया सेम ही लगता है उधर से निकल के आओ तो इधर आ जाओ इधर से निकलो तो फिर भी बंदा इधर ही पहुंच जाता है यहाँ पे जो है मलेशियन लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं ठीक है अपने बच्चों के साथ और उसके बाद ये सारा पूल एरिया ये छोटे बच्चों का लगा लो मतलब कि ये छोटा है उसके बाद फिर वो बड़ा आता है फिर उससे बड़ा है वहाँ पे जो है ना मतलब कि ज़्यादा गहराई में है ये लगे हमें आप नहा के इतने लम्बे पै सकते हो तुसी इंजॉय कर सकते हो तो यार वो पीछे देखा जाए तो पहाड़ियाँ वगैरह ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामाबाद वाला सीन है मुझे तो जब से मैं आया मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे इस्लामाबाद वाला सीन है क्योंकि उधर भी ऐसे ही बिल्डिंग्स हैं ठीक है उसके बाद नीचे देखो तो ऐसे पहाड़ियाँ वगैरह दरख्त वगैरह ही नज़र आते हैं और जंगल भी नज़र आते हैं लगता तो वैसे जंगल ही है ठीक है और वो सामने जो है ना आ जाता है जिम ये मैं आपको अंदर जाके भी दिखा देता हूँ ठीक है ये जिम है और ये पूल है उसके बाद आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो खा भी सकते हो कुछ भी कर सकते हो
हवा बहुत लेवल की चल रही है इधर ठंडी, और उसके बाद ये आ जाता है। यहाँ पे भी आप बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादातर लोग नहाने आते हैं उस साइड पे और जिम विम करने आते हैं सारा कुछ। ये भाई भी अभी नहाने ही जा रहा है, उसके बाद आ जाता है, ये भी सिटिंग एरिया आ जाता है, वो भी सिटिंग एरिया आ जाता है। बस यहाँ तक ही था, बाकी अगर इधर जाओ तो फिर इस बिल्डिंग में चले जाते हो आप। एक चीज़ हाँ थानू, किधर गया ये चेक करो, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने अपनी टांगे शांगे बाहर निकाल ली है, पर आराम से सो रहा होगा मेरे ख्याल से कोई। खैर चलते हैं, बाकी आपको जिम दिखाता हूँ और आगे वाला स्पोर्ट्स एरिया सारा दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, एक और सिटिंग एरिया है ये वाला, यहाँ पे भी बैठ सकते हो। यहाँ से एंट्रेंस है और ये आ जाता है जिम, ठीक है। पूल को है, को मतलब समझते ही हो आप मेरे ख्याल से। तो ये आ जाता है जिम और ये सारी मशीन्स वगैरह। ये डंबल्स, ठीक है। अभी चलते हैं, ऊपर भी है कुछ मेरे ख्याल से, नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको। ये आ गया जिम एरिया, उसके बाद पता नहीं ये बंद पड़ा है क्या सिस्टम है इसका, नहीं पता मुझे। ये है टेनिस वगैरह के लिए मेरे ख्याल से। अच्छा, इधर हर जगह पे जो ना कार्ड स्कैन होता है, जैसा कि मेरे पास ये कार्ड है तो यहाँ पे स्कैन होगा तो फिर ही हम अंदर जा सकेंगे। और यहाँ पे वो मस्जिद वगैरह भी बनी है, ये मस्जिद है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, इससे पहले मैं आपको ये दिखा लूँ। ये हॉल बना हुआ है पूरा रैकेट वगैरह खेलने के लिए, जैसा कि ये खेल रहे हैं। चलो बाकी आपको और भी दिखाता हूँ सब कुछ। ये यहाँ पे मस्जिद टाइप बनी हुई है, भाई नमाज पढ़ रहे हैं तो इसीलिए मैं बोला नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये बंद है और ये सारा वही है, मतलब कि पूरा हॉल बना हुआ है, डोर्स अलग अलग हैं, पूरा हॉल बना हुआ है टेनिस के लिए, और टेनिस कह रहा हूँ रैकेट के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी। ये भी मेरे ख्याल से हाँ, ये सिटिंग एरिया है और ये टेनिस वगैरह पड़ी हुई है, टेनिस इस पे खेलते हैं, टेनिस ही कहते हैं ना, मैनू कंफर्म नहीं जाएगा क्योंकि मैं कभी खेडी नहीं। चलने हैं, यहाँ से फिर बाहर निकलो तो पूल आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। आखिरी दफ़ा वेलो हूँ मैं ब्लॉग एंड करन लगा, है जिम है पूल, अंदर मैं तुम्हें सारा स्पोर्ट्स एरिया भी वहा दिता है, ठीक है। अब करते हैं ब्लॉग को एंड, यार ब्लॉग अब लंबे नहीं करने करने, अब छोटे छोटे ब्लॉग ही बनाने करने, फिर यू नो देखता कोई भी नहीं। थोड़ी सी धूप भी निकली, अच्छा इधर रोज़ ही होती है बारिश, तकरीबन रोज़ होती है मेरे ख्याल से तो भाई। चलो मैं व्लॉग एंड करने लगा हूँ, बाय बाय। तो यार अभी जो है ना व्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी लग गई होगी, ठीक है। और सारा मैंने आपको दिखा भी दिया, ये पूल वगैरह और वो जिम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, नीचे मैं लिंक डाल देता हूँ।